क्योंकि ना गाइस मार्केट का 18,300 बहुत बड़ा सपोर्ट है गाइस, इसलिए हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार गाइस फाइनली अभी बज गए 9 और मार्केट ने अपना सेटअप बनाना शुरू कर दिया है। तो गाइस अपन वेट करते हैं 9:10 होने का और देखते हैं क्या आज मार्केट ने क्या सेटअप बनाया है। गाइस तो यार अभी बज गए हैं 9:14 और फाइनली अपने इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपना सेटअप बना लिया है। और गाइस अभी अपन जितना देख पा रहे हैं आज अपना मार्केट कल की क्लोजिंग से 105.75 रुपये गैप अब ओपन होने वाला है। गाइस अभी अपन आ गए हैं ग्लोबल मार्केट में और इसे अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। गाइस ग्लोबल मार्केट का जो अपने को डेटा देखने को मिल रहा है आज फिर गाइस कल की तरह है, बुलिश भी है, न्यूट्रल भी है और बेयरिश भी है। यार गाइस तो फाइनली अपने मार्केट ने सेटअप बना लिया है और गाइस अपने को आज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज अपना इंडियन स्टॉक मार्केट 105 पॉइंट गैप अप ओपन होगा। यार गाइस अपन ना गाइस यदि आज अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं यार गाइस तो मेरे को लगता है आज मार्केट जैसे ही खुलेगा ना हो सकता है कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आए और उसके बाद ना गाइस आज ये मार्केट 300 को ब्रेकआउट लेगा और शुरुआत के 10 से 15 मिनट में अपने को कॉल में एक अच्छी मूवमेंट देगा। तो चलिए गाइस अपन वेट करते हैं 9:15 बजने को और देखते हैं कि यार आज मार्केट जो इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है तो क्या गैप को कवर करता है या फिर सीधा ऊपर भागता है और अपने को आज कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है। गाइस ये सब ना एक ही वीडियो में देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना। गाइस तो फाइनली यार मार्केट खुल गया है और मार्केट गाइस जहाँ से खुला है वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया है गाइस। तो वही गाइस अपना मानना था कि यार मार्केट जहाँ से खुलेगा थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर भागना शुरू करेगा। तो गाइस यहाँ से अपन अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, अपन पहले एक कैंडल बनने का वेट करेंगे उसके बाद देखते हैं कि यार आज मार्केट अपने को क्या मूवमेंट देता है। वैसे ना गाइस अपने को तो फुल चांसेस लग रहे हैं कि आज मार्केट जाएगा तो ऊपर ही और 300 को ब्रेकआउट लेगा और अपने को आज कॉल में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये देखो गाइस मार्केट जैसा ही खुला था 255 तक आया था और उसके बाद फिर ऊपर चला गया गाइस, यानी जहाँ से मार्केट खुला था वहाँ पे चला गया। अब गाइस देखो अभी मार्केट हल्का हल्का नीचे आ रहा है पर फिर भी ना गाइस अपने को चांसेस हैं कि आ रहा आज अपने को सिर्फ कॉल की ही। गाइस तो अभी बज गया है 9:18 और गाइस देखो मार्केट आ गया है नीचे। गाइस अपना मानना था कि यार मार्केट जैसे ही खुलेगा 10-20 पॉइंट नीचे आएगा और गाइस मार्केट कम से कम 20-30 पॉइंट नीचे आ चुका है। गाइस अपना मानना था कि यार इसके बाद मार्केट को जाना चाहिए ऊपर, लेकिन गाइस अभी अपन जितना चार्ट को देख पा रहे हैं यार ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन ना गाइस अपने को फुल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो गाइस अभी भी अपन ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यार अपने को यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए अपन यहाँ पर वेट करेंगे। गाइस अभी मार्केट को खुले हो गए यहाँ पर यार 5 मिनट और गाइस मार्केट आज जितना गैप अप ओपन हुआ है उस हिसाब से आज मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। गाइस मार्केट जहाँ से खुला है और यहाँ पर देखते हैं गाइस मार्केट का हाई अभी 18,286 रुपये है और इसका लो 18,257 रुपये है। गाइस मार्केट ना इसके बीच में भी साइडवेज जैसा बना रहा है। गाइस इसके बाद भी ना अपने को कंफर्मेशन तो यही है कि यार मार्केट को कि यार मार्केट जाएगा तो ऊपर, फिर भी गाइस अपन यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि ना गाइस पेपर ट्रेडिंग ही सही पर यार लॉस लॉस होता है प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। अपने को कंफर्मेशन तो पूरी है कि यार मार्केट जाएगा तो ऊपर पर कितनी देर में जाएगा ये क्लियर नहीं है। गाइस आज अपने को भले ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं है पर अपन यहाँ पे लॉस बुक नहीं करेंगे यही सोचकर चलते हैं। गाइस अभी बज गया है 9:28 और गाइस मार्केट को खुले हो गए यहाँ पर 13 मिनट और गाइस अभी अपन जितना देख पा रहे हैं यार मार्केट यहाँ पे 18,256 तक आया था और यहाँ पर हाई बनाया है 18,296 में। गाइस ऐसा इसलिए हो रहा है यार गाइस क्योंकि मार्केट में क्योंकि ना गाइस मार्केट का 18,300 बहुत बड़ा सपोर्ट है गाइस, इसलिए मार्केट 300 को ही ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है। इसलिए गाइस मार्केट यहाँ पे 96 तक गया था और यहाँ से रिजेक्शन लेके आ गया है। गाइस यदि गाइस अपन ने जैसे ही मार्केट यहाँ पर 256 में आया था और यदि अपन ने यहाँ से पोजीशन बनाया होता तो गाइस अपने को कम से कम 700-800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता, पर गाइस आज अपन ने कोई ट्रेड लिया ही नहीं और जो प्रॉफिट अपने को बनने वाला था यार उसे अपन ने मिस कर दिया। यार गाइस देखा आपने कि यार आज 18,300 में जो इतना बड़ा सपोर्ट बैठा है यार उस वजह से मार्केट ने आज 300 को ब्रेकआउट लिया ही नहीं,
गाइज अपनी स्ट्रेटेजी सही थी, अपना सेटअप भी सही था कि यार मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। तो गाइज अपने को ऐसे में 30-35 पॉइंट की मूव मिली है शुरुआत की 10 से 15 मिनट में, लेकिन गाइज आज अपन ने कोई ट्रेड लिया ही नहीं क्योंकि गाइज इतने कम वॉलेटिलिटी में और इतने कम पॉइंट्स में अपने यदि ट्रेड लेते हैं तो यार अपने को हो सकता था कि कम प्रॉफिट होता आज। वैसे गाइज यदि अपन ने ट्रेड लिया होता तो 700-800 रुपये का प्रॉफिट बना लिया होता। तो गाइज मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।